बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चाय आपने बहुत तरीके की पी होगी और बहुत मज़े मज़े की चाय आप बनाते रहते होंगे, तो इस रेसिपी को इस विंटर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं अखरोट वाली चाय, तो इसके लिए मैंने अखरोट लिए 6 से 7। आप इसकी मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 कप चाय रेडी करूँगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। शक्कर ली है मैंने 3 टेबल स्पून। आप इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी मिकदार को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है पत्ती का, चाय की पत्ती हम यूज़ कर रहे हैं। 1 पिंच नमक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 गिलास दूध है, तो मैं ये यूज़ करूँगी चाय को बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कहवे को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक पैन लिया मैंने, 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पत्ती डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूंगी और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2 पीस इसमें छोटी इलायची के भी डालूंगी। छोटी इलायची डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी चाय से और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसको अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिए, अदरवाइज इसे स्किप भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से खोल के 2 इलायचियाँ भी डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए कावा हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तकरीबन 1.5-2 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। तो इसे हम साइड पे रखते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से अखरोट की गिरियाँ निकाल ली हैं। तो एक ब्लेंडर जग में इन गिरियों को डाल के साथ ही मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी और दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर देंगे। तो दिखाती हूँ मैं आपको ब्लेंड करने के बाद। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने अखरोट की गिरियाँ और दूध को ब्लेंड कर लिया है और इसे हम इसी तरह से बग़ैर छाने ही इस दूध को बॉईल करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से जो पीस रह जाते हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं जब चाय में आते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से इस दूध को यूज़ कीजिएगा। तो बॉईल आने देते हैं दूध में। यहाँ पे इसमें मैं साथ ही शक्कर भी ऐड कर दूँगी और मिक्स कर देंगे इसे। बॉईल आने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो पे कर दिया है और कहवे को अच्छी तरह से छान के इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे हम चाय को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़े की हमारी अखरोट वाली चाय रेडी टू सर्व है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी अखरोट वाली चाय की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।